हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत, काश समय पर एम्बुलेंस मिल पाती। हादसे के बाद अस्पताल व्यवस्था की खुली पोल, नदारद दिखे कार्मिक। जनप्रतिनिधि गोपाल सिंह ने डॉक्टरों के रवैये पर उठाया सवाल, कहा हमेशा ही मरीजों को रेफर करना अस्पताल की सबसे बड़ी कमी। अस्पताल में डॉक्टरों के रवैये से भड़के ग्रामीण ने कार्यवाही की मांग। अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी से मरीज होते हैं परेशान। राम सिंह, कस्बे के बुगांव रोड पर रविवार सवेरे सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बजरंगलाल पाली जिले के पापूजी के देवली निवासी हैं, जो अपने जीजा के घर दिवाली त्योहार पर मिलने के लिए आया हुआ था। इस दौरान सवेरे अपनी भांजी लक्षिता उम्र 15 के साथ सुंधा माता दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस दौरान जसवंतपुरा की तरफ से आ रही बस जीजे 01CV8568 पर्यटकों से भरी बस ने बाइक को चपेट में ले लिया। इस दौरान मौके पर ही बाइक चालक बजरंग वैष्णव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद SI सरिता बिश्रोही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घायल लक्षिता को CSC पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार को देखते हुए आगे के लिए रेफर किया गया। इस दौरान आगे जाते समय रास्ते में लक्षिता की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद कस्बे सहित क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। त्योहार के इस दौरान हुए हादसे की जानकारी मिलने के बाद हर कोई दुख व्यक्त करता नजर आया। घटना के बाद जनप्रतिनिधियों सहित भारी संख्या में आम ग्रामीण भी अस्पताल पहुंचे। जनप्रतिनिधि प्रतिही गोपाल सिंह ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रभारी से जानकारी मांगने पर संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। सिंह ने कहा क्षेत्र में हो रहे हादसों को लेकर जब भी अस्पताल में आते हैं आनन फानन में आगे के लिए रेफर किया जाता है। वहीं रविवार को हुए हादसों की जानकारी देते हुए कहा कि मासूम बच्चे की अस्पताल लाने के दौरान सांसें चल रही थी, जिसको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रशासन की इस व्यवस्था पर कार्मिकों के बारे में जानकारी मांगने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने से यहां पहुंचो ग्रामीणों में अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को लिखित में ज्ञापन देते हुए कार्यवाही करवाने की बात कही। इधर घटना के बाद जनप्रतिनिधि ईश्वर सिंह महेचा, विजय प्रजापत बुगांव, दयालाल लुहार, रमेश रावल, भागीरथ राव, ग्रामीण प्रकाश नागर, पुलिस विभाग SI सरिता बिश्रोही, दौलाराम भाद्राजून, मयंगा राम, रामनिवास समेत कई ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। 108 एम्बुलेंस सुविधा ही नहीं, निजी वाहन में बिना प्राथमिक उपचार के चलते मासूम की गई जान। कस्बे के CSC केंद्र की व्यवस्था की सबसे अहम व्यवस्था 108 तत्कालीन एम्बुलेंस, जो अति आवश्यक सेवा में मानी जाती है। कई हफ्तों से लाचार व्यवस्थाओं में होने के चलते रामसिंह कस्बे के आसपास क्षेत्र के लिए 108 बंद होने से सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में रविवार को हुए हादसे के बाद घटना स्थल से 108 तत्कालीन नंबरों पर भी संपर्क किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने से अस्पताल में आने से निजी वाहन में बिना किसी प्राथमिक उपचार से सांसें चलती हुई मासूम बालिका को अस्पताल के बेड तक लाने के बाद भी निजी वाहन से आगे रेफर करने के कारण मासूम बालिका की मौत हुई है। लाचार व्यवस्था पर कोई जिम्मेदार अधिकारियों की कोताही के चलते ही क्षेत्र में हो रहे हादसों के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लाचार अस्पताल व्यवस्थाओं में न ऑक्सीजन, न ही शुद्ध पीना सौंपा ज्ञापन। कस्बे के CHE केंद्र में ऑक्सीजन के लिए मशीन भी नहीं है। वही कोरोना काल में सरकार के द्वारा ऑक्सीजन मशीन अस्पताल में दी गई थी, लेकिन 8 दिन तक धूल फांक रही है। वहीं पेयजल के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां प्रतिदिन तत्कालीन मरीजों के साथ प्रतिदिन होने आने वाले मरीजों के लिए भी व्यवस्था नहीं होने से ज्ञापन के जरिए मांग की गई है। कागजों में चल रहे CHE को जमीनी स्तर पर सामान्य अस्पताल ही चल रहा है। जागरूक टीवी के राम सिंह से गिरधारीलाल प्रजापत की रिपोर्ट।